नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज, बीजेपी में मचा हड़कंप, मोदी शाह की पूरे देश में हुई किरकिरी। बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, कोटा में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर में एक महिला ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दौलत राम मेघवाल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने पूर्व में पार्षद रहे मेघवाल के विरुद्ध कोटा शहर के बोरखेड़ा थाने में रेप की शिकायत की थी। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में दौलतराम के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि थाना प्रभारी महेंद्र मीणा बताते हैं कि महिला के द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार को महिला का मेडिकल करवाया जाएगा। इसके बाद पीड़िता महिला के 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि आरोपी पूर्व पार्षद है, जो कि हाथीखेड़ा गांव में निवास करता है। इधर मामले को लेकर कोटा शहर जिला बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के एक नेता पर महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। बता दी कि पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बाबू सेनी ने कहा कि दौलत राम मेघवाल पूर्व पार्षद है। बोरखेड़ा मंडल अध्यक्ष पद से एक महीने पहले पार्टी को दौलत राम ने इस्तीफा दे दिया, जो स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल पार्टी का कामकाज और मंडल अध्यक्ष उनको ही सौंपा गया है। दौलत राम पर लगे आरोप की पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद पार्टी मामले को लेकर आगे का निर्णय करेगी। बता दी कि महिला के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि साल 2018 में उसके पास ब्यूटी पार्लर का काम करने और सीखने एक युवती आती थी, उससे वे दौलत राम के संपर्क में आई। आरोपी बीमा भी करता है। बीमा करने को लेकर उसने पहचान बढ़ाई, घर आने जाने लगा। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आया तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया, चुप रहने को कहा, बार बार शोषण किया और शादी की बात को टालने लगा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस में शिकायत करने की बात की तो आरोपी ने फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बता दी कि पीड़िता धमकी से तंग हो गई और पीड़िता ने 7 दिसंबर को SP को परिवाद किया। गुरुवार को बोरखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने उससे रुपए भी हड़प रखे हैं। दोस्तों, देखिए किस तरीके से देश प्रदेश के अंदर अब ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। शादी का झांसा देते हैं, मन मर्जी वो काम करते हैं। जैसे ही लड़की शादी के लिए ठानती है तो मना कर देते हैं। दोस्तों, अब केंद्र सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेकर इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई कानून बनाए, जिससे आरोपी ये काम करने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर को जानकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।